खास खबरों के साथ। जयपुर सीरियल ब्लास्ट बम ब्लास्ट के 5 आरोपी को फैसला, 7 जज कर चुके सुनवाई, 8 महीने के अंतिम निर्णय। उत्तरी भारत में शीतलहर, दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और नीम राणा में किन्नरों पर फायरिंग करने वाला भूत हुआ गिरफ्तार, बदमाशों के पास से मिला अवैध हथियार, जिन्हें पुलिस ने किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। 13 मई 2008 जयपुर का सबसे काला दिन माना जाता है। सिर्फ 15 मिनट में जयपुर के पुरकोटे में एक के बाद एक 8 बम धमाके हुए। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हो गए थे। इस हमले में कुल 13 आतंकवादी शामिल थे। इनमें से 5 गुनहगारों पर आज विशेष कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। सजा कुछ भी सुनाई जा सकती है, फांसी या उम्र कैद, मगर जयपुर वालों को अभी आधा इंसाफ ही मिला है, क्योंकि 3 गुनहगार अब तक फरार हैं, जो 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनहगार बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। जिन 5 आरोपियों पर फैसला आना है, उनमें शहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान और सलमान खान शामिल हैं। इस केस में जहां अभियोजन ने कोर्ट से केस के आरोपियों को फांसी देने की गुहार लगाई है, वहीं बचाव पक्षी और से आरोपियों को बेगुनाह करार देने की गुहार की गई है। मामले के विशेष अभियोजक की ओर से अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए लिखित बहस पेश की है। अब राज्य सरकार और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद फैसला कोर्ट को करना है। जयपुर ब्लास्ट मामले को देखते हुए जयपुर कमिश्नर ने बुधवार को सेंट्रल जेल से लेकर कोर्ट तक पुलिस जाब्ता तैनात किया है। इसके अलावा कोर्ट के बाहर और परिसर में भी कानून व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। उत्तरी भारत में शीत प्रकोप कम न होता नजर नहीं आता जा रहा है, इसके साथ ही लोगों की ठिठुरन बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर अपने शबाब पर दिखाई दे रही है। हाड़ तोड़ ठंड के आगे दिल्लीवासी सहित पूरा उत्तरी भारत लाचार नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान गत 22 वर्षों में इतना नीचे नहीं आया था, जबकि 27 सालों का यह दूसरा सबसे कम तापमान रहा है। पिछले 24 घंटों से सूरज दिल्ली एनसीआर में दिखाई नहीं दे रहा है। बुधवार को भी हालात सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 10 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान भी 10.4 डिग्री बना रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर महज 2.2 डिग्री का रहा। काफी गर्म कपड़े पहनने के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही है। नीमराणा पुलिस ने किन्नरों पर फायरिंग कर उन्हें घायल करने के मामले में एक बदमाश महेंद्र उर्फ टाइगर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरदयाल सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर को सीमा नाम की एक किन्नर पर नीमराणा में कोहर गांव में गोली मारी गई थी, जिससे किन्नर सीमा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन पर टीम गठित की गई, जिस पर सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि किन्नरों पर हमला करने वाला बदमाश महेंद्र उर्फ टाइगर पुत्र दीवान चंद्र गुर्जर निवासी निम्भोर बस स्टैंड पर है, जिस पर कार्रवाई करते हुए बदमाश महेंद्र को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया, जिस पर पहले भी लूट और हत्या के प्रयास और फायरिंग करने के कई मामले दर्ज हैं, जो सीमा किन्नर पर फायरिंग करने के बाद में इसे ही फरार चल रहा था। बदमाश महेंद्र को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है। श्री अमनदीप सिंह कपूर, IPS पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला भिवाड़ी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें आज कार्रवाई करते हुए महेंद्र उर्फ टाइगर उर्फ डॉन निवासी निभोर को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिस पर हत्या करने के प्रयास तथा लूट एवं डकैती के कई मामले दर्ज हैं, जिसकी कई दिनों से तलाश थी, जिससे गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है। बास्को गांव में बंदरों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बंदर आए दिन लोगों को हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में देखने को मिला, जहां पर बास्को कस्बे में एक महिला संतरा देवी दोपहर के समय छत पर बैठी थी, तभी अचानक बंदरों की टोली वहां आई और बंदरों ने उन पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके चलते उनकी पीठ और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। पहले भी बंदरों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रशासन को भी कई बार अवगत कराने के बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
भरतपुर के रूपवास कस्बे के पंचायत समिति के सभागार में पंचायत चुनावों को लेकर रूपवास पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायत और नवगठित पंचायत समिति उज्जैन की 24 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली गई। रूपवास उपखंड अधिकारी कमल सिंह यादव और तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने लॉटरी के माध्यम से सरपंच और पंचों के पदों को आरक्षित किया। लॉटरी प्रक्रिया में सभी वर्गों सामान्य महिला एवं पुरुष एससी महिला और पुरुष और अन्य ओबीसी महिला और पुरुष के भी पद निकाले गए और इनके साथ ही सभी पुरुषों की पर्ची डाली गई। सभी के सामने एक एक ग्राम पंचायत की पर्ची निकालकर आरक्षण तय किया गया। लॉटरी प्रक्रिया को देखने के लिए दोनों पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौजूद रही। अपने अपने ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच की लॉटरी को जानने के लिए ग्रामीणों में जबरदस्त उत्सुकता बनी रही। सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय पॉक्सो पीठाधीन अधिकारी दिनेश गुप्ता ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए थाना सदर गंगापुर सिटी के खुदस्या निवासी आरोपी हरमान सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1,30,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अनिल जैन के अनुसार 19 अप्रैल 2019 को रात्रि के समय अपने घर से शौच के लिए बाहर आई नाबालिग को आरोपी हनुमान सिंह ने अपने नाबालिग भतीजे के साथ मिलकर उठा लिया और दोनों चाचा भतीजे ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसे लेकर पीड़िता के परिजनों द्वारा सदर थाना गंगापुर सिटी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक दुष्कर्म के आरोपी को यहाँ आज सजा मिली, क्या कुछ मामला है, कौन से थाने की? ये 19/4/19 की घटना है, रात्रि की घटना है, 11-12 बजे करीब की घटना है। ये ग्राम खुदस्या थाना सदर गंगापुर सिटी का मामला है। वहाँ पर एक नाबालिग पीड़िता रात्रि को टॉयलेट करने के लिए घर के पीछे गई तो आरोपी हनुमान सिंह व एक अन्य बालक जो नाबालिग था, ये दोनों इसको पकड़ कर ले गए पास के एक नड़े के अंदर, इसके साथ में दुष्कर्म किया इन्होंने। इस पर सदर थाना ने इनके खिलाफ चालान पेश किया। इसे आज न्यायालय ने दोष सिद्ध मानकर 363 IPC के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदंड, 366 IPC के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये का अर्थदंड व 376D IPC के तहत इसको 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मांडर पुलिस थाने में देर शाम SCB ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल यशपाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी DSP सले मोहम्मद ने बताया कि परिवादी सत्यपाल ने एसीबी अलवर में शिकायत की थी कि मांडर पुलिस थाने का हेड कांस्टेबल यशपाल सिंह मुकदमे में अनुसंधान कर धारा बदलने की एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर सत्यापन के लिए 13 दिसंबर को 25,000 में मामला तय हुआ। इसके बाद एसीबी की टीम द्वारा सत्यापन होने के बाद शाम को परिवादी सत्यपाल द्वारा हेड कांस्टेबल यशपाल को पुलिस क्वार्टर के बाहर 25,000 रुपए दिए गए। आरोपी एसीबी टीम को देखते ही पुलिस थाने के पीछे खेतों में भागने लगा, जिसको एसीबी टीम ने भागकर खेतों से ही पकड़ लिया। उसके पास से 25,000 रुपए भी बरामद किए गए। एसीबी टीम ने आरोपी से अभी पूछताछ शुरू कर दी है। सर, कितने रुपए लेते आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है? परिवादी सतपाल ने हमें 30 नवंबर को एक एप्लीकेशन दी थी कि उसके पड़ोसी हैं सुरेंद्र खेत के, उसकी वाइफ की तरफ से उसके खिलाफ 22/11 को मुकदमा दर्ज करवाया गया था मारपीट और छेड़छाड़ का, जिसकी जांच सतपाल हेड कांस्टेबल कर रहे हैं। और सतपाल हेड कांस्टेबल इस मुकदमे में 354 धारा लगी हुई थी, उस धारा को हटाने के लिए उससे 40,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं यशपाल हेड कांस्टेबल द्वारा, जिस पर हमने रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था 1 दिसंबर को, जिसमें यशपाल हेड कांस्टेबल द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। उसके बाद हमने 13 दिसंबर को दोबारा वेरिफिकेशन करवाया तो इसने 25,000 रुपये लेना तय किया था और 25,000 रुपये लेकर आज इसको पुलिस थाने के अंदर बुलाया था और परिवादी सतपाल से इसे यशपाल हेड कांस्टेबल ने 25,000 रुपये रिश्वत के लेकर अपने जेब में रखे थे। ACB को देखते हुए भागने का प्रयास किया, इसका पीछा करके हमने पकड़ लिया और 25,000 रुपये रिश्वत राशि आरोपी हेड कांस्टेबल से हमने बरामद की जा चुकी है, कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश में खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के।